दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपस्टॉक के मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे IPO अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर जाना है। मोबाइल फ़ोन पर जाके अपस्टॉक का एप्लीकेशन ओपन करना है। अपस्टॉक का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ID पासवर्ड डालना है। ID पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपल सा इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सबसे नीचे इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा राइट साइड में, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ऊपर वाले में आपको IPO वाले में क्लिक करना है, जहां पे लिखा हुआ है व्यू ऑनगोइंग IPO। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको रनिंग IPO जो चल रहे हैं अभी, तो उसमें सारी डिटेल दी रहेगी। तो अगर मान लीजिए जैसे मुझे सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड में अप्लाई करना है, तो सिंपल सा मुझे अप्लाई बटन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आपको UPI ID में अपना UPI ID डालना है। UPI ID डालने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको इन्वेस्टर टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ लॉट दिखेगा, तो आप कितने लॉट लेना चाहते हैं। अगर आपको एक लेना है तो एक सेलेक्ट करें, दो लेना है तो दो सेलेक्ट करें। तो मैं एक यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद बिड प्राइस दिखाई देगा, तो बिड प्राइस में आपको कुछ नहीं डालना है, आपको कट ऑफ प्राइस में क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो फिल हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि आप टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करते ही आपको सबसे नीचे कंटिन्यू का बटन आएगा, तो आप उसमें क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी कि आपका UPI ID, इसमें अमाउंट कितना लग रहा है, क्वांटिटी कितनी मिल रही है आपको, और इसका प्राइस बैंड क्या है। सबसे नीचे कन्फर्म एंड अप्लाई का बटन दिखेगा, उसमें आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इसके बाद अपने फ़ोन पे पे जाएंगे, आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा फ़ोन पे की तरफ से। इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन होगा, उसमें क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप IPO अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सेटअप ऑटो पे, सबसे नीचे जो बटन दिख रहा है सेटअप ऑटो पे, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो आपका IPO क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और आपको मेल और आपके नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके मेल पे भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, और साथ ही आपको आपके मोबाइल फ़ोन के मैसेज बॉक्स में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपस्टॉक के मोबाइल एप्लीकेशन से अपना IPO अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।